पंचनेर की हवेली पहुंचने से पहले रुद्र को रास्ता भटकाना होगा। नहीं नहीं शिवांगी, तुम गाड़ी के बाहर मत निकलना, तुम यहीं रुको। इन लोगों ने कार बीच सड़क पर क्यों रोक दी? मैं गाड़ी लॉक कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। रुद्र ने मुझसे झगड़ा किया था ना, मुझे मामूली इंसान कहा था उसने, अब दिखाता हूँ इंसान की ताकत। नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़ के बाहर मत जाओ। जो सांप हमारा पीछा कर रहा है, हमें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। रॉकी, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। शिवांगी, मैं जानता हूँ कि वो सांप रुद्र है, और मुझे ये भी पता कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। अब उसी चीज का इस्तेमाल करके उसे रास्ता भटका दूंगा मैं, तुमसे पीछा छुड़वाऊंगा मैं। अब मैं गाड़ी लॉक कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तुम यही रहना ठीक है। ये रॉकी कार से बाहर क्यों आ रहा है? शिवांगी शिवांगी, मैं नागमणि लेने जा रहा हूँ, ठीक है? अरे वही जगह जहाँ हमने छिपाई थी। ये रॉकी को नागमणि के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? और ये लोग नागमणि कैसे उठा लाए? ये लोग नागमणि उठा भी लाए और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। ये सब हो क्या रहा है? हेलो, हाँ हाँ, मुझे नागमणि के बारे में सब कुछ पता है। अब आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। रॉकी अब तक वापस क्यों नहीं आया? शेषा बहुत खतरनाक है, नागमणि पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। नहीं, मैं रॉकी को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। सॉरी रॉकी, मुझे बाहर जाना होगा। लगता है इन लोगों ने मुझे देख लिया और अब दोनों मिलके मेरे साथ चाल चल रहे हैं। ये दोनों शायद नहीं जानते ये सांप कोई और नहीं मैं हूँ, पर इतना जरूर जानते हैं कि कोई सांप उनके पीछे है। पर ये भूल गए कि सांप खामोशियों की आहट भी सुन लेते हैं, और यही आहट मुझे बता रही है शिवांगी ने जस्ट अभी कार का दरवाजा खोला है। शेषा ने दरवाजा खोलने की आवाज तो सुनी होगी, मैं चाहती थी वो वापस आए। वो आएगी, अब मुझे भागना होगा, फिर वो भी रॉकी का पीछा छोड़कर मेरे पीछे आएगी। ये रुद्र कहां चला गया? अभी तो पीछे ही था मेरे।
कहाँ थी तुम? वो रॉकी, मैंने कहा था ना गाड़ी के बाहर मत निकलना, फिर बाहर क्यों निकली तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, वहां देखा तुम नहीं थी और अचानक देखता हूँ तुम यहाँ पर। तुम अचानक यहाँ पर आ गई? थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि रॉकी ने मुझे रूप बदलते देख ली। रॉकी, तुम इतनी देर से वापस नहीं लौटे थे तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए तुम्हें ढूंढने निकल गई। रिलैक्स, मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। फिक्र करने से नहीं होती है, बस हो जाती है। और ये क्या बात हुई, तुम मुझे ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए? हम जो करेंगे साथ साथ करेंगे, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई यहाँ चाशे फांगे। मुझे कुछ नहीं होगा रॉकी। चलो। भाग गए। हाँ, मुझे नागमणि के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, अब आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, रॉकी ने फोन पे नागमणि की बात की थी, ये दोनों जरूर पंचनेर की हवेली गए हैं। जाओ, ये नागिन आ रही है। मैं तो क्या, भगवान भी नहीं जानता हम क्या करने वाले हैं, लेकिन वो मधुमक्खी और काली नागिन, ये दोनों तो गायब है, और कब से गायब है। मुझे लगता है कि ये दोनों मेरे पीठ पीछे कोई नया प्लान बना रहे हैं, उसी का कांड करने गए होंगे। ठीक है, कोई नहीं, अब मैं भी एक नया प्लान बनाऊंगी और इन दोनों जानवरों को कुछ नहीं बताऊंगी। यामिनी, अरे ये क्या, उड़ते हुए क्यों नहीं आई? मतलब तेरी सारी शक्तियां चली गई, मक्खी तू तो गई। मजाक छोड़ और मेरी बात सुन, मैं विक्रम को लेने जा रही हूँ, तैयार रहना और शेषा को भी बता देना। मतलब तुझे पता चल गया है विक्रम कहाँ है? मेरी मधुमक्खियों ने बताया कि विक्रम ने उन्हें बुलाया है, इसका मतलब विक्रम जरूर कोई खतरे में होगा। मैं महेशमती महल जा रही हूँ और बहुत जल्द विक्रम को लेकर वापस आऊंगी। तुम और शेषा बस तैयार रहना। ठीक है। अरे नहीं, ये पूजा की सामग्री नहीं है। स्टूपिड, यही है पूजा की सामग्री। पूजा? कैसी पूजा? अब मैंने कहा था ना मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। रुद्र को चकमा देना था, दे दिया। गुमराह करना था, उससे गुमराह कर दिया हमने। काश शेषा को पता ना चला हो कि हम कहाँ आए। आओ तुम्हें दिखाता हूँ उस दिन हवेली में मैंने क्या देखा था। कम रॉकी, इस अंधेरे कमरे में क्या दिखाने लाए हो? चलो ना, चलते हैं यहाँ से। वो देखो वहां पे, वो रोशनी वहां पर। वो देखो, स्वामी जब पहली बार आया था यहाँ पर तो किसी सांप ने मुझ पर अटैक किया था। इसे तो पता ही नहीं, इसने जिस नाग को यहाँ देखा वो शेष नाग है। और मुझे भी कहाँ पता चला कब रॉकी मेरी असली दुनिया के इतने करीब पहुंच गया। श्वांगी, यही यही वो नागमणि है। रुद्र को यही चाहिए और ये तुम्हें उठा सकती, और इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैंने वो किताब में पढ़ा था, नागमणि गलत हाथों में लग गई तो पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। तुम एक सूर्यवंशी हो और जिसके शरीर पर सूर्यवंशियों का निशान होता है, और वही नागमणि उठा सकते हैं। क्या हुआ, मेरी बात पर यकीन नहीं? शिवांगी, मैं सही कह रहा हूं, विश्वास नहीं होता, मुझे भी नहीं हुआ था। रुको, दिखाता हूं तुम्हें।